आयुष ने मेरे एयरपोर्ट्स ले लिए। काजू खराब हो जाएगा। आयुष दरवाजा बंद कर, बाहर आवाज आ रही है। Welcome or welcome back to my channel. This is Archie Golia. I hope you all are doing really good. इस वीडियो में हम एकदम बिगनर फ्रेंडली वाला जो मेकअप लुक होता है वो हम कर रहे हैं। हम ये स्मोकी आई क्रिएट करेंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू सी कि ये कैसे क्रिएट किया गया है, देन कीप ऑन वॉचिंग। स्किन केयर हो चुका है, सो लेट्स स्टार्ट विथ प्राइमर। फॉर प्राइमर आई एम यूजिंग इनसाइड कॉस्मेटिक्स का 3-in-1 प्राइमर। यू कैन सी इट हैज ब्लर्ड आउट माई पोर्स। गोइंग अप विथ फाउंडेशन, दिस इज अ सीरम फाउंडेशन फ्रॉम द ब्रांड ईक्लैट। ये उनका ईक्लैट SPF 30+ कॉम्प्लेक्स सीरम फाउंडेशन है। आई डोंट नो वाई उन्होंने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया है, मुझे तो ये बहुत बहुत पसंद है। एक्स्ट्रा लग भी जाए इस फाउंडेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज सब सिंक इन हो जाता है। ये सेटिंग स्प्रे ऑन अ ब्रश, ये हम इसलिए लगाते हैं ताकि फाउंडेशन अच्छी तरीके से ब्लेंड इन हो जाए और हिले नहीं। It has blended in just like a serum, और एक अच्छा सा ग्लो दे रहा है मेरे को ये। नेक्स्ट हम जो मेन चीज है आईज, उस पर हम काम करेंगे। कंसीलर वगैरह भी कुछ नहीं लगाएंगे, कंसिडरिंग हम एक बिगनर हैं और हमें पता नहीं है आई शेडो कैसे लगाते हैं, तो फॉल आउट होगा उसका, यहाँ पे आएगा और फिर हमारा मेकअप बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगेगा। तो पहले हम आई शेडो करेंगे, उसके बाद हम कंसीलिंग वगैरह करेंगे। कुछ नहीं करना, बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे पहले एक कोई लूज पाउडर लो, अपनी आईज पर उसको अप्लाई करो ताकि जो भी ऑयलीनेस है अपनी आईज के ऊपर वो निकल जाए। थोड़ा सा ही लेना, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं ले रही हूँ कलर केमिस्ट्री का काजल इन द शेड ब्लैक। जैसे आईलाइनर लगाते हैं वैसे ही एक मोटी काजल की लाइन ड्रॉ करनी है, परफेक्ट होना बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। 4-5 बार फेरते जाओ। अंदर की साइड। बस अब इसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर अपने को एक ब्राउन आई शेडो लगाना है। फॉर दैट आई एम यूजिंग माई करंट फेवरेट पैलेट जो कि है स्विस ब्यूटी की पावर स्टेज द रॉयल ट्राइब। तो ये ब्राउन शेड है किंग, वो मैं यूज करूंगी। और फिर ब्लैक पे नहीं लगाना, ऊपर की साइड लगाना है, ठीक है। अब दोनों को साथ में ब्लेंड इन कर दो। ये हो जाने के बाद एक ब्लैक आईलाइनर लेना और यहां पे लगाना आपने। काजल, ब्लैक आई शेडो जो अपन ने स्मोक आउट करा है, एंड देन ब्राउन आई शेडो। इस साइड वाला तरीका तो सुपर सिंपल है एकदम, अगर आप बिगनर हो या टाइम वाइम कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा इजी तरीका है ये। सेम क्र करके ऐसे लाइन लगानी है। अब इसको उंगली से ही, अपनी फिंगर से ही ब्लेंड कर देना। ऐसे बाहर मत ब्लेंड करना, अंदर की साइड ब्लेंड करना। अब ब्लैक हो चुका है ये पार्ट हमारा, इसके ऊपर हमें ब्राउन आई शेडो लगाना है। किंग वाला आई शेडो हम लोग यूज करेंगे और ऊपर की साइड लगाएंगे इसको। फिर से आईलाइनर लेना है और आईलाइनर लगा देना है।
फैल रहा है फैलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको फैलने देना ठीक है। अगर थोड़ी सी भी वॉटरी आई तो ऐसे मत करना, अरे काजू खराब हो जाएगा, काजू खराब हो जाएगा, यही चाहिए। अब जो थोड़ा सा फेस डार्क डार्क सा लग रहा है ना, तो यहाँ पे थोड़े से पार्टिकल्स गिर गए होंगे काजल के, उसको डस्ट ऑफ करने के लिए सिंपल ब्रश लो और बस ऐसे डस्ट ऑफ कर दो। अब हम लगाएंगे कंसीलर, मैं ले रही हूँ के ब्यूटी का ये कंसीलर, दिस इज इन द शेड 160N मीडियम। Now when it comes to eyes, ध्यान से blend करना, okay? ऐसे यहां से ऊपर की साइड करना ताकि लिफ्टेड लुक लगे आपका। डार्क सर्कल्स भी छुप गए और अच्छे से हाईलाइट होके आ रही है मेरी आंख। कंसीलर लगा दिया है, नाउ जस्ट सेट अ मेकअप। उसके लिए मैं ये के ब्यूटी का ट्रांसलूसेंट पाउडर ले रही हूं। पाउडर इज रियली गुड, उसने एकदम मैट कर दिया मेरे फोरहेड को। अब एक सॉफ्ट सा ब्लश लगाना है मुझे, तो मैं यूज कर रही हूँ रेयर ब्यूटी का ये ब्लश। Let's do our eyebrows now. For eyebrows, I'll be using Inside Cosmetics का smudge free eyebrow pencil. Let us now apply some mascara. For that, I'll be using Mars का double trouble mascara. Step 1 is for lengthening. Step 2, voluminizing. इसी आई शेडो पैलेट में से मैं एक हाइलाइटर उठा रही हूँ, डायमंड्स। सी, दिस पैलेट इज रियली रियली गुड गाइज। अब एंगुलर ब्रश लेंगे एंड यहां इनर कॉर्नर में लगाएंगे। मैं शुगर की ये लिपस्टिक लगा रही हूं, दिस इज इन द शेड 15 Stephanie Plum। आई नो आई शुड हैव यूज्ड अ लिप लाइनर ऑल्सो, बट नहीं है मेरे पास, नहीं यूज करती मैं। परफेक्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स अप्लाई सम सेटिंग स्प्रे। दिस इज द मार्स स्टील द डील मेकअप फिक्सर। दिस इज हाउ माई मेकअप हैज टर्न्ड आउट। द
That's all for the video, guys. If you like this video, please give it a big fat thumbs up, comment, share, and please subscribe to my channel. It will really mean a lot to me. I love you guys. Bye.